Alright investors, आज हम देखेंगे Honasa Consumer के technicals, valuations and financial health. Business के बारे में जाने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं. Since ये नई कंपनी है, there is not much on the charts. And IPO के टाइम जितनी गाली इसको पड़ी है, उसके बावजूद कंपनी ने दौड़ लगाई है. Let's check out the valuations and then figure कि मैं क्या करूंगा. Before the valuations, I want to tell you कि ये कंपनी से मुझे कोई प्यार नहीं है. I have run the numbers based on my best estimate. Valuation इसका थोड़ा complex है. And generally venture capital firms ऐसे कंपनी को वैल्यू करते हैं. तो जैसे हम यूजली रेवेन्यू ग्रोथ रेट यूज करते हैं, उसके बदले इस बार हमने एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट लिया है जो करंटली 20 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है. इसे हमने 11% एनुअल ग्रोथ रेट दिया एंड इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके इसका मार्केट शेयर अराउंड 1% आता है बेस्ड ऑन करंट रेवेन्यूज. तो रेवेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिकली एक एस्टिमेट लगाया कि 10 साल में कंपनी का मार्केट शेयर कितना होगा एंड इस टाइम से वो परसेंटेज निकाला एंड हमें हमारे रेवेन्यू फिगर्स मिले हैं. कंपनी के मार्जिन्स अभी बहुत लो है एंड आई एक्सपेक्ट देम टू राइज टू इंडस्ट्री एवरेजेस इन द नेक्स्ट 7 years. इसका रीइन्वेस्टमेंट रेट भी बहुत हाई है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये सस्टेन करेंगे. तो मैं इन्हें इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया हूं एंड एट द सेम विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये सब करके मेरा कंपनी का प्राइस आया अराउंड 368.41 व्हिच मेक्स द कंपनी ओवरवैल्यूड ऑन आवर बेस अजम्पशंस बट नॉट बाय मच. एंड सिंस मेरे एस्टिमेट्स हैं, मैंने सिमुलेशंस रन किए जहां मैंने कंपनी का मार्केट शेयर बिटवीन 3-7% रखा एंड मार्जिन बिटवीन 16-24%. इसके हिसाब से मेरा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है एंड मेरे हिसाब से कंपनी का आइडियल प्राइस 250 से 300 के बीच में होना चाहिए व्हिच मेक्स द कंपनी ओवरवैल्यूड इन ऑल पॉसिबल सेंसेस. बट ऑफ कोर्स ये मेरा एस्टिमेट है एंड आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग. तो इस केस में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये एडमिट करना होगा कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है एंड अभी इसका जो फॉल शुरू हुआ है कहां तक जा सकता है ये देखना होगा. लेकिन अगर ये 200-250 की रेंज में आता है तो मैं इसमें सिर्फ रिस्क कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा. मतलब अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं तो 5-10 लूंगा एंड देखूंगा कि कुछ क्वार्टर्स में इसके मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं या नहीं. क्योंकि अगर ये नेक्स्ट PNG या HUL है तो इसके मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए एंड नहीं हुए तो एग्जिट ले लूंगा. लेकिन अगर इंप्रूव हो गए तो एवरेज करने के पहले नेक्स्ट अप ट्रेंड का वेट करूंगा. होपफुली आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आ गई. मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स बट बिफोर दैट, एज यू नो YouTube एल्गोरिथम शायद आपको हर वीडियो नहीं दिखाए एंड हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट कोई इंटरेस्टिंग बिजनेस आपसे मिस हो जाए. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ब्रोस्कीज कम्युनिटी सेटअप की है. इसके थ्रू आपको वीकली ईमेल्स मिल जाएंगे जिसमें हम बिजनेस के डिटेल्स आपको ईमेल कर सकते हैं. तो साइन अप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है, रोज 7.5 का है एंड ROE 1.5 के आसपास है. स्टॉक का PE 1400 का है. PNL पे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड मार्जिन्स बहुत लो है. ये हमने बिजनेस एनालिसिस में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया. एंड ये देखो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनका 35% ऑफ रेवेन्यू है विच इज वेरी हाई एंड आई एम गेसिंग ये पहले इसे डिक्रीज करेंगे ताकि मार्जिन्स इंप्रूव होते रहे. इंटरेस्ट कॉस्ट हार्डली कुछ है एंड कंपनी नेट लॉस किया है. बैलेंस शीट पे रिजर्व्स ठीक ठाक है. कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं है, ये लीज लायबिलिटीज है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं. कैश फ्लोज में ज्यादा कुछ नहीं है देखने को क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है. रेशियोज में डेटर डेज ठीक है, इन्वेंट्री डेज थोड़े हाई है एंड डेज पेएबल अराउंड 5 महीने के आसपास है. इनका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है जो ऐसी कंपनीज के साथ अक्सर होता है. इसका मतलब ये है कि कंपनी इन्वेंट्री बनने से पहले ही सेल कर देती है एंड कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी ठीक है. कंपनी का रोज स्लोली इंक्रीज हो रहा है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 35% है, FIIs के पास 8%, DIIs के पास 18% एंड पब्लिक के पास 40% है. इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.